हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका, क्या जितना भी बैंक एग्जाम होता है यानी डज ऑल बैंक प्रमोशन एग्जाम प्रिपरेशन आर सेम? अगर हम कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए क्लर्क से ऑफिसर की हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और बैंक तो बहुत सारा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक हो गया SBI ले लेते हैं, एक ले लीजिए PNB ले लीजिए, फिर आप चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, समझिएगा बात को, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, IOB, इंडियन बैंक, IDBI, ऐसे मैंने एग्जाम्पल डाला कि नो बैंक है, मान लीजिए ऐसे सभी में आप मान लीजिए कि आप क्लर्क से ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। अब सवाल उठता है क्या सभी जगह सेम होता है तैयारी? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत होगा बोलना कि प्रिपरेशन सेम है। तो आंसर जो है इसका कि सभी बैंकों में सेम तैयारी होती है, बिल्कुल नहीं होती है, इंटायरली डिफरेंट होता है। समझ में आ रही बात? इंटायरली डिफरेंट होता है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों ने यह सवाल पूछा है, बहुत सारे लोगों ने। क्यों डिफरेंट हो जाता है? उसका प्रिपरेशन ही अलग है। अब एग्जाम्पल चलिए पीएनबी में दो पेपर होती है, पेपर 1 पेपर 2, फॉर्मेट ही अलग हो गया इसका, पूरा फॉर्मेट अलग है, ठीक है। बीओबी चलेंगे तो यहां पे आपको जब पेपर दीजिएगा तो यहां इंग्लिश, फिर इसी में आपको बोल सकते हैं रीजनिंग, प्रिंसिपल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और पढ़ा। और देखिए तो आप इसका कुछ अलग था, इसका कुछ अलग हो गया। SBI चलिएगा तो SBI में MSME का जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, एग्री प्रोडक्ट्स है, तो इंटायरली एक तरीके से अलग है उसका। SBI में अपना से एक प्रोडक्ट आता है इसका आरोहन, वो भी पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद PNB का अपना बैंकिंग प्रोडक्ट्स होगा, ठीक है, हर बैंक का तो अपना बैंकिंग प्रोडक्ट्स होता है, याद रखना। अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे, खास करके जो उसका अपना चीजें सब जाएंगे, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, बैंक ऑफ इंडिया है, BOI बैंक ऑफ इंडिया, यहां क्या है, संदीपनी पढ़ना पड़ेगा, विजेता पढ़ना पड़ेगा, नो योर BOI पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे हर बैंक का एक अलग अलग चीज होता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको समझाना चाह रहा था, ये कभी मत समझिए ये सेम रहता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ये सोच के कि सभी जगह सेम है, तो पहले ही आउट हो जाइएगा, क्योंकि सेम के नाम पे हल्का फुल्का सेम हो सकता है। नॉमिनेशन एक कॉमन सा चीज है, हर जगह पूछेंगे आपसे, थोड़ा बहुत जो जनरल बैंकिंग वाली चीजें होती है, नॉमिनेशन हो गया, MSME हो गया, प्रायोरिटी सेक्टर, ये सब हो सकता है कि थोड़ा बहुत कॉमन हो। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर 100 चीज पढ़ रहे हैं आप, 100 में से 50 कॉमन हो सकता है और 100 में से 50 डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाह रहा हूं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का तैयारी कर, इसकी तैयारी आप SBI का दे दोगे और PNB का दे दोगे और BOB का दे दोगे, कभी नहीं पास करोगे, क्योंकि हर एक का प्रिपरेशन ही अलग है, हर एक का चीज अलग है, हर एक का सिलेबस अलग है। तो आपको समझना होगा कि जब हर चीज का सिलेबस अलग है तो हम कैसे उस चीज को हम बोल सकते हैं कि सेम आपका सेम प्रिपरेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो एक मिसकंसेप्शन जो है माइंड में वो निकाल लीजिए, क्लियर होगी बात, मिसकंसेप्शन माइंड से निकाल लीजिए, बिल्कुल सेम तैयारी नहीं होती है, तैयारी इंटायरली डिफरेंट होता है, उसी के हिसाब से पढ़ना होता है और आपको एग्जाम जो भी है जिस बैंक का आप दे रहे हो क्लर्क ऑफिसर का, उसको क्लियर करना होता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने बताने के लिए आपको जस्ट समझाया था ये वीडियो, कि ये होता है ना एक मन में डाउट कि भाई सिलेबस अलग है, तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि ये वीडियो बना के आपको मैं समझाऊं, क्योंकि ऐसा मेरे को बहुत फोन आते हैं रिगार्डिंग प्रमोशंस के लिए, क्या आप इसमें सर्कुलर्स कवर कर रहे हैं? यस, विल कवर द सर्कुलर्स। जब देखिए अगर आप हमारे यहां क्लर्क से ऑफिसर का प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी नेशनलाइज बैंक, हमारे पास हर नेशनलाइज का बैंक है,
तो हमारे पास जो कोर्सेज होती हैं फॉर एवरी नेशनलाइज्ड बैंक का है, ठीक है, यानी नेशनलाइज्ड बैंक का है, यानी हमारा बैंक स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या हो गया, बैंक स्पेसिफिक है। अब इसमें क्या रहेगा, आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा एज पर बैंक स्पेसिफिक के हिसाब से। दूसरा रहेगा आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, तीसरा रहेगा नोट्स पीडीएफ में, चौथा होगा 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक, पांचवा होगा 10 मॉक टेस्ट। इतना चीज रहेगा, वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोज होगा, ठीक है, आपको नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा, 10 मॉक टेस्ट होंगे, ओके। और इसका प्राइस जो है ₹2000 रहता है, तो ये एकदम दिमाग के अंदर डाल लीजिएगा, क्योंकि बैंक स्पेसिफिक होना जरूरी है, तभी आपका पढ़ाई सही होगा और आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब आते हैं, ठीक है, और आप सिंपली ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, कॉलर्स 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट है www.jaiibcaiibstudymaterial.com, ठीक है, ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com, ठीक है। अरे जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सारी की सारी ऑनलाइन मोड भी होगी, आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसी के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, ठीक है, थैंक यू।